नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरु जी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसका रिजल्ट आ चुका है, और दोस्तों इसके अलावा उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट आ चुका है जो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनका DV और PST होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो जनरल OBC SC ST कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को लेके जाने हैं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना पुराना चलेगा, क्या प्रोफार्मा होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, जैसे मान लीजिए आपका SC ST या OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल होगा, या फिर दोस्तों जो भी आपके बनेंगे सर्टिफिकेट्स वो कौन से प्रोफार्मा में बनेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी समझ सकें कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम दिखाते हैं पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से, उसको हम देख लेते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, ये आपका विज्ञप्ति है जो आपका आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मांग परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों से संबंधित सूचना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका 5 दिसंबर 2018 को आया हुआ था, इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पे अब असल में इसका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से मैं आप सोचा को एक बार रिकॉल कर दूं, ताकि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो यहाँ पे वीडियो को देख लें और सब कुछ समझ सकें। जी हाँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूचित किया जाता है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभिलेखों एवं समीक्षा एवं शारीरिक मांग परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र के साथ उसमें अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर निम्नांकित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जी फ्रेंड्स, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड के प्रिंट के साथ साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, देखिए यहाँ पे सबकी लिस्ट आपको मिल चुकी है। पहले नंबर देखिए आपका है 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2 कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाने हैं जिसकी साइज होगी 35x45 mm, इसको आपको ध्यान देना है। और तो आपका जो बैकग्राउंड होगा आपके कलर फोटो का वो क्लीन होना चाहिए, 1 कलर में होना चाहिए, यह नहीं कि आप बैकग्राउंड में कुछ भी ला दीजिए, एक क्लीन पेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, जैसे मूल आधार कार्ड, मूल पैन कार्ड, मूल मतदाता पहचान पत्र, मूल पासपोर्ट, मूल ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, मान्यता प्राप्त कॉलेज स्कूल तथा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र, तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक छाया प्रति। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, जो जो मैंने बताया है उसमें से कोई भी चल सकता है। और इसके अलावा उसका फोटोकॉपी करवा के किसी भी राजपत्रित अधिकारी, जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी गैजेट ऑफिसर से उस पर साइन करवा के अटेस्ट करवा लीजिएगा उसको, तभी वो मान्य किया जाएगा। इसके अलावा जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स की सेट जो होगी एक सेट, आप उसको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित जरूर करवाइएगा, तभी वहाँ पे मान्य होगा। इसके अलावा आप एक सेट एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत होगी तो उसे आप चेंज कर सकें। हाई स्कूल 10वीं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है या उसके समकक्ष, दोस्तों जो भी आपके डिग्रियाँ होती हैं, जो भी आपके हाई स्कूल के समकक्ष मानी जाती हैं, उसके पास होनी चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा उसकी छाया प्रति होनी चाहिए, यानी उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, वो भी गैजेट ऑफिसर से अटेस्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर देखिए 4 क्या है, इंटरमीडिएट या समतुल्य मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, आपके पास चाहे तो इंटरमीडिएट का होना चाहिए या इसके समकक्ष जो भी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, और दोस्तों उसका फोटोकॉपी आपका वो राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए दोस्तों, श्रेणी से संबंधित मूल जाति प्रमाण पत्र, जिस दोस्तों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए प्रमाण पत्र, और इसके अलावा उसका आपके पास फोटोकॉपी भी होना चाहिए, जो आपका अटेस्ट होना चाहिए किसी भी गैजेट ऑफिसर से। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेट होगा, देखिए विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि का, देखिए तो जो यहाँ पे अवधि दिया गया है कब का बना होना चाहिए और क्या उसका फॉर्मेट होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला देखिए क्या है आपका, मूल निवास प्रमाण पत्र।
दोस्तों आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है, इसको आप बनवा लीजिएगा। और जो आपने फॉर्म में जो अपना एड्रेस भर रखा है वही सेम एड्रेस का आपको बनवाना है मूल प्रमाण पत्र। और दोस्तों उसका फोटोकॉपी भी जो होगा वो आपका अटेस्ट होना चाहिए किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। इसके अलावा जो उसका प्रारूप है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, वो आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है उसमें आपका सब मेंशन हो रखा है। क्षैतिज आरक्षण के मूल प्रमाण पत्र, अगर दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी एक्स सर्विस मैन में आते हैं तो उसका भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा NOC बनवा रखा है तो उसका आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी मूल प्रमाण पत्र, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कर्मचारी के पद पर पहले से रह चुके हैं तो उसका भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फोटो स्टेट भी होनी चाहिए। और उसको जो है प्रमाणित करवाना पड़ेगा किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। अधिमानी अर्हता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अगर दोस्तों अधिमानी अर्हता से संबंधित कोई भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो वह आप ओरिजिनल लेके आएंगे और उसके साथ ही साथ दोस्तों उसकी भी एक छायाप्रति करवा के फोटोकॉपी करवा के उसको दोस्तों आप अटेस्ट करवाएंगे किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपने देख लिया, 9 पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास एसेंशियल है, जो सब जरूरी हैं उसकी नोटिस यहाँ पे आ चुकी है, सब दोस्तों कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे अपर सचिव भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवेश बोर्ड की दोस्तों मोहर की है, साइन है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपका ओरिजिनली आया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वो फॉर्मेट क्या रहेगा आपके निवास प्रमाण पत्र का, जाति का, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो वैसे देखिए ये आपका फॉर्मेट है, प्रारूप नंबर 1 देखिए क्या है, शासन अधिनियम संख्या 13/22/1692, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा उसी को लेके जाइएगा, इसका आप प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों दोनों को एक में अटेस्ट करके तहसील से आप यहाँ पर देखिए इसको अटेस्ट करवा लीजिएगा। हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम यहाँ पे पदनाम लिखा जाएगा, फिर साइन करके मोहर लगाई जाएगी, तभी दोस्तों ये आपका कंप्लीट माना जाएगा और ये आपको लेके जाना होगा, ये आपका वहाँ पे सबमिट कर लिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और देखिए दोस्तों है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, उनका दोस्तों फॉर्मेट ये दिया हुआ है, प्रारूप नंबर 2 है। दोस्तों सेम प्रोसेस इनको भी करना है, चुपचाप इसका आप प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा, पूरे कॉलम्स को फिलअप कीजिएगा और जो आपका स्टेट या सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसी के साथ इसको अटेस्ट करके उसी के साथ इसको दोस्तों पिन करके लेके जाइएगा अपने तहसील में और वहाँ पर दोस्तों इस पर आप साइन और मोहर करवा लीजिएगा ताकि यहाँ पर चेक करवाने में कोई दिक्कत ना हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब देखिए दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र। जी हाँ फ्रेंड, जो लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, जिनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से दोस्तों बिलोंग करते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पे इसका ले जाना होगा प्रिंट आउट और इसको भर के साइन करवाना पड़ेगा अपने जिलाधिकारी से, उनकी सील और मोहर यहाँ पे करवानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये प्रारूप नंबर 4 है दोस्तों, आयु के लिए है, एज रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो कैंडिडेट यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उनको एज में छूट चाहिए तो उनके लिए दोस्तों ये आपको बनवाना पड़ेगा। दोस्तों ये आपका एज के लिए है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये प्रारूप दोस्तों बनवाना पड़ेगा उनको। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपके सभी फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, यही आपके हैं टोटल फॉर्मेट, इसी के बेस पर दोस्तों आपको बनवाना पड़ेगा और ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए जो भी मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा या दोस्तों आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों चैनल को जहाँ जहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें आपको रिवाइज करवा दूँ, दिखा दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, 1 ID कार्ड चाहिए ओरिजिनल, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो लोग दोस्तों एक्सपर्ट सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं या फिर दोस्तों वो किसी कार्यरत है, किसी सरकारी पोस्ट पे कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी स्टेट में, तो उनका उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सभी का जो जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सबके आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए और दोस्तों वो आपके गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये सब आपके होने चाहिए तभी आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST के लिए, उन सबको दोस्तों मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों पूरी तैयारी में लग जाएं फिजिकल के, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही आपका लास्ट स्टेज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप वर्दी चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से लग जाइए,
दौड़ने में, ताकि दोस्तों दौड़ आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दौड़ निकालना है फिजिकल में। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है उसका वीडियो मैं पहले आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं उस टर्म एंड कंडीशन को पूरा फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट जो भी अभी कंप्लीट नहीं है अभी तक उसको सब कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों कोई भी दिक्कत है तो आपका चैनल हमेशा आपके लिए दोस्तों ओपन है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दिक्कत है कोई आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं दोस्तों आशा करता हूँ सभी के मेल का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।